और रुक करेंगे एक बड़ी खबर का, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं गौरव वल्लभ। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, आज ही गौरव वल्लभ ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे गौरव वल्लभ। इस्तीफा देने के बाद में बोले गौरव वल्लभ कि कांग्रेस के स्टैंड से असहज था, सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता था, कांग्रेस गलत दिशा में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और वल्लभ ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस को गौरव वल्लभ ने दिशाहीन पार्टी बताया। आपको बता दें कि आज सुबह ही ये जो लेटर है ये जारी किया गया और जानकारी दी गई कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और इस लेटर में कई सारी बातें भी कही गई हैं, जैसे कि दिशाहीन पार्टी बताया गया कांग्रेस को, और उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी के सामने अपना स्टैंड रखना बहुत ज्यादा आसान नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, राम मंदिर का भी उन्होंने जिक्र किया और सनातन विरोधी पार्टी बताया। देखिए, मैंने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के जो हैं जी, उनको एक पत्र लिख के मेरे दिल की सारी भावनाएं उसमें व्यक्त कर दी। मैं कांग्रेस पार्टी की चुप्पी, जब पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ जी। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ। और इधर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस को एक परिवार की पार्टी बताया और कहा कि पारिवारिक कंपनी में देश हित नहीं, समाज हित नहीं, बल्कि सिर्फ परिवार हित को देखा जाता है। और इस पर रिएक्शन भी उनका सामने आया है, वो आपको सुनाते हैं। गौरव वल्लभ जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने इस्तीफा दिया है और कांग्रेस का साथ, प्रथम परिवार का साथ छोड़ दिया है, ये कहते हुए कि सनातन विरोधी नारे, हिंदू विरोधी बातें और देश के हित के विरोध में बातें रखना उन्हें कबूल नहीं था। मैंने तो 7 वर्ष पहले ही बताया था कि कांग्रेस पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है। इसमें देश हित नहीं, इसमें समाज हित नहीं, केवल अपने परिवार का हित देखा जाता है।